बाबा सूरजपाल की तलाश तेज हो गई है। कानपुर भोले बाबा के आश्रम में की गई है पूछताछ, सेवादारों से पूछताछ की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, 2 घंटे तक पूछताछ हुई है, महिलाएं समेत 9 सेवादारों से पूछताछ की गई है। तो कानपुर में ये पूछताछ हुई है, भोले बाबा के आश्रम में पूछताछ की गई है। और ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बताया जा रहा है कि कानपुर में भोले बाबा के आश्रम में पूछताछ की गई है सूरजपाल बाबा से। सूरजपाल बाबा और भोले शंकर उर्फ शंकर उर्फ दयालु, ऐसे तमाम नामों से जाने वाले व्यक्ति इस वक्त फरार चल रहा है। ऐसे में जहां जहां आश्रम है वहां वहां पुलिस की जांच का दायरा बढ़ रहा है। पुलिस, खुफिया विभाग, LIU और यहां तक कि इंटेलिजेंस की टीम भी लगातार इन आश्रमों तक पहुंची। अगर बात की जाए कानपुर के कुरसई के इस आश्रम पर भी आज 1.5 से 2 घंटा 5 सदस्यीय टीम मौजूद रही, जहां एक कुरसई के गांव के लोगों से पूछताछ की, तो वहां 9 सेवादारों से भी पूछताछ 1.5 घंटे तक चली। उनके नाम, उनकी डिटेल्स नोट की गई और उसके बाद वो खुफिया टीम वहां से चली गई, जिसके बाद से वो मीडिया से कहने से सेवादार बचते नजर आ रहे। हालांकि स्टोर का और मेन का दरवाजा खुला छोड़ के सेवादार भी वहां से चले गए। अब अपनी टीम ने क्या रिपोर्ट लिखी है, किस अधिकारी को ये रेफरेंस में देंगे, क्या क्या चीजें पूछी है, तो जांच का विषय है। मगर इन सब के बीच अनऑफिशियली जो हमारे सूत्र बताते हैं, ग्रामीणों का कहना था ये पूछा जा रहा था ये ग्राम समाज की जमीन पर कब बना, किन किन लोगों का पट्टा था, क्या था, कहना था, ऐसे तमाम सवाल पूछे गए। और सेवादारों से जो हमारी बात हुई अनऑफिशियली, उन्होंने साफ बताया कि सिर्फ और ये जाना चाह रहे थे कि बाबा लास्ट टाइम कब आए, सत्संग में यहाँ से कितने लोग गए, हाथरस की सिकंदरा राव में जो घटना हुई उसमें कौन कौन लोग थे। जो 9 लोग थे, उन 9 ने कहा हम सब मंगलवार को उसी घटना में थे और 1.5 से 2 बजे के आसपास जो बस वहां से निकली है उसी बस से बैठ के ये लोग भी निकले। मगर इन सब के बीच मीडिया के सामने, कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे। और ऐसे में खुफिया विभाग के अधिकारियों ने अपनी एक लंबी पूछताछ करके कुरसई गांव से आगे के लिए निकल चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अमित। आगे बढ़ते हैं। कानपुर पुलिस ने खुद को अधिकारी बताने वाले एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी योगेंद्र सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी किया करता था। तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी के घर से कई सरकारी विभागों के संदिग्ध दस्तावेज, मुहर और लेटर पैड बरामद हुए। इससे पहले भी आरोपी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी किया करता था। चकेरी थाना पुलिस आरोपी योगेंद्र की आपराधिक कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में ट्रक बेकाबू नहर के किनारे पलट गया। ट्रक कानपुर से दवा लेकर हैदरगढ़ जा रहा था और सामने से आ रखे डंपर से साइड न मिलने के चलते पलट गया। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक के ड्राइवर को बाहर निकाला और पुलिस को भी सूचना दी है। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर मामूली रूप से घायल हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, CHC में भर्ती करवा दिया गया है। इधर से डंपर वाला दबा दिया। कहाँ जा रहे थे आप गाड़ी लेकर? जलीलाबाद जा रहे थे। जलीलाबाद, क्या लोड है इसमें? दवा। क्या नाम है आपका? शैलेन पांडे। यह हादसा कितने बजे हुआ? 9 बजे। कोई हताहत तो नहीं हुई? नहीं। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं। कितने लोग थे गाड़ी में आप लोग? अकेले थे आप? कहीं चोट तो नहीं है? कांवड़ यात्रा को लेकर अहम बैठक, तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्य सचिव और DGP, ट्रैफिक प्लान और सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। 22 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा, 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर बैठक करेंगे DGP और मुख्य सचिव। ये बैठक करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर, ये अहम बैठक होगी, तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी, मुख्य सचिव और DGP इसमें शामिल होंगे। पहाड़ों में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश जारी है। चमोली में नदियां उफान पर आ गई हैं। अलकनंदा नदी रौद्र रूप में बह रही है और बताया जा रहा है कि पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से जल विद्युत परियोजना बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं कर्णप्रयाग में पिंजर नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। प्रशासन की टीम ने नदी किनारे रह रहे लोगों से ऊंचाई वाली जगह पर जाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।